हेलो फ्रेंड्स माई साफ डॉक्टर सुशीला सैनी एनिकोलॉजिस्ट एंड ऑफ आज हम बात करने जा रहे हैं प्रेगनेंसी के दौरान वाइट डिस्चार्ज के बारे में वाइट डिस्चार्ज वैसे तो बहुत कॉमन होता है लेकिन जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी होती है तो आपने ये ज़रूर फील किया होगा कि वाइट डिस्चार्ज की मात्रा यानी कि वाइट डिस्चार्ज का अमाउंट थोड़ा बढ़ गया है अब कन्फ्यूज़न ये होता है कि क्या ये जो बढ़ा हुआ वाइट डिस्चार्ज है वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है क्या मुझे इसके लिए डॉक्टर को दिखाना चाहिए या इसको नॉर्मल मान के एज़ यूजल जो मेरा नॉर्मल ट्रीटमेंट चल रहा है उसको फॉलो करना चाहिए तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें ये पता होना चाहिए कि जो वाइट डिस्चार्ज है वो नॉर्मल कब होता है अब नॉर्मल कब होता है और कब हमें डॉक्टर के पास जाना होता है तो वैसे तो जब भी प्रेगनेंसी होती है तो नॉर्मली जो वाइट डिस्चार्ज का अमाउंट है वो बढ़ जाता है अब वाइट डिस्चार्ज क्लियर वाटरी हो सकता है थोड़ा सा वाइटिश हो सकता है या थोड़ा येलोइश हो सकता है लेकिन यदि आपको ये हरा पानी जैसा है खुजली आ रही है ईचिंग हो रही है जलन हो रही है या ये ब्लड मिक्सड है या ब्राउनिश डिस्चार्ज है तो डेफिनेटली इसमें प्रॉब्लम हो सकती है ये कुछ ऐसा हो सकता है कि जो कोई बीमारी का लक्षण हो तो हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए दूसरा ये कि अगर ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में आ रहा है सुबह शाम रात दिन कई बार वाइट डिस्चार्ज का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है यानी कि काफ़ी ज़्यादा निकल रहा होता है और हमें पैंटी पे पैड इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ जाती है तो वो भी एक बीमारी का लक्षण हो सकता है ऐसी स्थिति में भी डॉक्टर को दिखाना होता है कई बार दही जैसा फटा हुआ पानी आता है दही जैसा जिसको कि करडी डिस्चार्ज बोलते हैं तो ये फंगल इन्फेक्शन का कारण होता है प्रेगनेंसी में एक नॉर्मल लेडी से फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं और साथ ही साथ अगर किसी को डायबिटीज़ है प्रेगनेंसी के साथ डायबिटीज़ भी थोड़ा सा कॉमन हो जाता है तो उनको भी ये डिस्चार्ज ज़्यादा मात्रा में होता है तो ऐसी स्थिति में शुगर का चेक टेस्ट कराना भी ज़रूरी हो जाता है डॉक्टर को तो दिखाना ही है इसके अलावा कई बार ब्लड मिक्स डिस्चार्ज आता है तो ब्लड मिक्स डिस्चार्ज हो सकता है कि अंदर ब्लीडिंग हो जिसके कारण थोड़ी सी ब्लीडिंग बाहर भी आ रही हो या ये ब्लीडिंग होने की शुरुआत हो सकती है तो ऐसी स्थिति में भी स्थिति थोड़ी चिंताजनक हो सकती है तो उसमें सोनोग्राफी अपने को करवानी पड़ सकती है कि बच्चा अपना हेल्दी है या नहीं है इसको देखने के लिए तब भी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए कई बार बिल्कुल ब्राउनिश मटमैला सा जमा हुआ सा डिस्चार्ज आता है तो ये कई बार बच्चा पेट में ख़राब हो जाता है तो उसके बाद जब पुरानी ब्लीडिंग होती है यानी कि जब ब्लड थोड़ा अंदर काफ़ी टाइम से बच्चे दानी के अंदर रुका हुआ रहता है और फिर वो धीरे धीरे बाहर निकलने लगता है तो इस रंग का डिस्चार्ज आता है तो वो बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक हो सकता है तो ऐसी स्थिति में भी डॉक्टर से मिलना जरूरी होता है फिर जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है तो कई बार ब्लीडिंग हो जाती है कई बार काफ़ी फ्रैंक ब्लीडिंग हो रही होती है तो डेफ़िनेटली फिर हमें डॉक्टर को दिखाना ही है इसके अलावा कई बार यूरिन जैसा पतला पानी आ रहा होता है तो कई बार जो बच्चे के चारों तरफ जो एमनियोटिक फ्लूड होता है या बच्चे की जो थैली होती है वो फूट जाती है जिसमें से कि लीकिंग हो जाती है यानी कि एमनियोटिक फ्लूड है यानी कि बच्चे का जो लाइकर है वो बाहर निकल कर आता है तो वो पतला पानी पेशाब जैसा लगता है यूरिन जैसा लगता है तो अगर ऐसा लगातार पानी आ रहा है तो भी डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी होता है क्योंकि अगर पानी लीकेज कर रहा है तो बच्चे को इन्फेक्शन फैल सकता है और बच्चे की ग्रोथ को हेम्पर कर सकता है यानी कि बच्चे की ग्रोथ में रुकावट आ सकती है और जैसे जैसे प्रेगनेंसी टर्म की तरफ बढ़ती है तो ये डिस्चार्ज की मात्रा बढ़ जाती है और कई बार जब बच्चेदानी का मुंह थोड़ा थोड़ा खुलने लगता है तो म्यूकोइड डिस्चार्ज यानी कि चिपचिपा लिसलिसा सा पानी आने लगता है जो कि बच्चेदानी के मुंह खुलने का साइन होता है और कई बार इस चिपचिपे म्यूकस जैसे पानी के साथ थोड़ा ब्लड भी मिक्स्ड होता है तो वो भी डिस्चार्ज का एक कारण हो सकता है कई बार डॉक्टर आपको नीचे से चेक करते हैं कि बच्चेदानी का मुँह खुला या नहीं खुला या जब नवा महीना खत्म हो जाता है तो बच्चेदानी का मुँह खोलने के लिए फिंगर से बच्चेदानी का मुँह खोला जाता है जब बच्चेदानी का मुंह खुलता है तब भी डिस्चार्ज बढ़ जाता है और कई बार जब थैली फट जाती है जिसको हम बोलते हैं कि पानी छूट गया है तो वो तो फिर डेफिनेटली आप सबको समझ आ ही जाता है कि अब लेबर पेंस शुरू हो गए हैं या बच्चे का पानी छूट गया है तो हमें डिलीवरी के लिए जाना है तो ये कुछ कॉमन कारण है जो प्रेगनेंसी के अंदर देखे जाते हैं और जनरली नॉर्मल से थोड़ा सा ज्यादा डिस्चार्ज होता है लेकिन अगर ये यदि बदबूदार है खुजली आ रही है जलन है हरा पानी जैसा है या फिर करडी डिस्चार्ज यानी दही जैसा है तो डेफिनेटली ये चिंताजनक हो सकता है तो डॉक्टर को उस टाइम जरूर दिखाकर डॉक्टर की सलाह से दवाइयाँ लें और जो भी जांच डॉक्टर आपको बताते हैं उनको फॉलो करें बाकी तो प्रेगनेंसी है आप अपना ध्यान रखती हैं रेगुलर चेकअप के लिए आप जाती ही हैं और जो डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं वो ट्रीटमेंट आप फॉलो करती ही हैं तो मैं समझती हूँ कि ये जानकारी आपके लिए लाभदायक रही होगी फिर भी अगर आपका इससे संबंधित कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकती हैं हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक नमस्कार